रहे हैं अभी हम, बहुत बड़ा है ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सिर्फ एक सर्कल के साइड की सारी चीजें हैं। फ्लोर है इसमें 1, 2, 3 एंड बाकी उसके ऊपर ऊपर ये है। तो बस घूमते रहो, वो इतने छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। आप थक जाओगे पर एक दिन में कवर कर ही नहीं पाओगे। सारी चीजों के स्टोर अवेलेबल है एंड इवन वो देख रहे हो ब्रांडिंग कलरफुल जो चल रही है नाइकी एंड ऑल की, हर जगह हर चीज का स्टोर इज अवेलेबल हियर। यू कैन बाय एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। मैंने भी कुछ चीजें ले ली हैं बट मैंने सब कुछ श्रीन के लिए लिया है बिकॉज आई एम अ मॉम, तो मेरे को अपने लिए क्या ही लेना है, उसी के लिए सब कुछ लेना है। सेकंड वाले स्पेस पे ये देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है। सो बस ऐसे से ही है, 1847 में ओपन हुआ था ये स्टोर, तब मॉल तो होगा नहीं, स्टोर खुला होगा, अब इन्होंने यहाँ पे ले लिया है। चलते रहो बस, सब कुछ बदलता रहेगा, वीएम बदलता रहेगा, सर्कल्स बदलते रहेंगे, कहीं पे रेक्टेंगल है, कहीं पे सर्कल है, कहीं पे स्क्वायर है। एंड परफ्यूम्स की तो बस बाहर ही लगी है, ये देखो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक पिक्चर्स यू कैन। एंड हर जगह परफ्यूम की खुशबू आ रही है क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, मोस्टली ब्रांड्स परफ्यूम के ही हैं और हम भी अभी जा रहे हैं परफ्यूम्स एंड कंपनी। सो लेट्स गो। फाइनली परफ्यूम ले लिए हैं हमने, दो खरीदे हैं एक्चुअली। एक तो ये लिया है 1 मिलियन वाला, काफ़ी अच्छा है ये, और ये मतलब अभी प्रमोशन टाइप्स हो रहा था, ये 1 मिलियन का सबसे पुराना वाला है। तो ये 385 धीरम का पड़ा है अपने को, जो कि इंडिया की करेंसी में डबल कर लो आप मल्टीप्लाई बाय 21 रुपीज। सो ये 200 ml का सेम प्राइस में मिल गया, वैसे इसका 100 ml का भी सेम प्राइस है बट अभी में पता नहीं कोई तो ऑफर चल रहा था तो हमें 200 ml मिल गया है 385 धीरम में। तो हमने एक ये ले लिया है एंड एक ये सीके का डेफिली है, तो ये हमें पड़ा है समवेयर अराउंड 6000 रुपीज इंडियन अगर करेंसी में बोलूं तो, 300 धीरम में। तो बस, और एक कीचेन मेरे को फ्री मिला है और मेरे को छोटी सी बॉटल भी फ्री मिली है उसकी परफ्यूम की जो किट होती है। एंड बस यहाँ पे सारे परफ्यूम्स एंड ऑल की कलेक्शन है एंड ये जिनसे मैंने लिया है ना, शी इज फ्रॉम मुंबई इंडिया, तो उनका नाम है रोहिणी एंड बहुत सारी बातें भी कर ली हमने। जो कोई अपना इंडियन भाई बंधु मिल जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, वो फिर आपको सजेस्ट भी कर देते हैं सारी चीज़ें अच्छी अच्छी अच्छे प्राइस में। तो बस अच्छा लगा, सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू रोहिणी, बाय, सी यू इन इंडिया। ओके, तो दुबई मॉल में एक फेमस फाउंटेन है, ये देखो इतना ऊँचा फाउंटेन है और इसके ऊपर ना I'll show you. Wait for a second. See, इसके ऊपर लटके हुए हैं आदमियों के टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो नीचे को ऐसे स्विम करते हुए लटके हुए हैं, ये देखो, देख पा रहे हो आप, मस्त क्लोरीन की फ्रेश खुशबू आ रही है, बहुत सारी क्लोरीन की, क्योंकि इसको वाटर को फ्रेश करने के लिए उन्होंने लगा ही रखा है ऑब्वियसली, तो बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर भी है और बीच में थोड़ा सा स्पेस है एंड देन वहाँ अदर साइड भी है, तो जिसको भी फोटो क्लिक करानी है या वीडियो बनानी है तो मेरे जैसे लोग यहाँ पे करा सकते हैं। सो अभी हम लोग आए हैं फाउंटेन शो देखने जो दुबई मॉल के जस्ट बाहर होता है, और भीड़ देखो आप, मतलब हजारों लोग यहाँ पे हैं। सो अभी बज रहे हैं रात के 7:45 एंड 8 बजे यहाँ पे फाउंटेन शो शुरू होता है, जिसके लिए यहाँ इतना ज्यादा रश है, जिसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। मेरे को तो शायद खड़े होने की जगह ना मिले, मैं दूर से ही देख लूंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ऊंचा ऊंचा हाइट तक होता है। एंड यहाँ पे मेरे पीछे ना मॉस्क है, वो देख रहे हो आप जो जगमगा रही है अभी, एंड पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, इमार वाली इमार ही आई थिंक स्पॉन्सर करता है बुर्ज खलीफा को, एंड पीछे है बुर्ज खलीफा जो कुछ ऐसा लग रहा है, रात में बहुत सुंदर लग रहा है, लाइट्स एंड ऑल पूरी सजी हुई है, फाउंटेन शो 8 बजे शुरू होने वाला है, 15 मिनट मेरे को यहीं पे वेट करना है एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर करने। सो मैं वेट कर रही थी फाउंटेन शो का जो 8 बजे शुरू होने वाला था, एंड अचानक से ही ना ये बुर्ज खलीफा के ऊपर दुबई वाला शो शुरू हो गया एंड
बहुत ही अमेजिंग लाइफ एक्सपीरियंस मैंने देखा ना, पूरे में इतनी लाइट्स एंड इतना ज्यादा, सारे लोग वीडियो ही बना रहे थे और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, जो भी अनएक्सपेक्टेड था, जो कि मैं तो वेटिंग कर रही थी फाउंटेन शो के लिए, बट वो अचानक ही हो गया एंड आई वॉज लाइक वाओ, तो शूट कर लिया मैंने, आई विल शो यू. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist, and we tearing down this place, off the liquor that we chase, Casamigos to the face, baby I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane, jealous of the clothing that she wears up on a tight frame, all game, no shame, baby came here to play, I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement, there is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place, off the liquor that we chase, Casamigos to the face, baby I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane, jealous of the clothing that she wears up on a tight frame, all game, no shame, baby came here to play, I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
अभी आई हूँ स्थान में डिनर करने, स्थान रेस्टोरेंट का नाम है यहाँ पे। तो बस बहुत अच्छा फूड है यहाँ का, जो अगर आप दुबई में जोमेटो पे डालोगे ना रीजनेबल प्राइस में बेस्ट फूड, एकदम फाइन फूड, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड इवन वो है अपना इंडियन वाला, जो सारी चीज़ें खा सकते हो आप। वेजिटेरियन हूँ मैं तो उसकी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और बस आ चुकी हूँ, ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ये जो भाई साहब है ना, मेरे पति से ऑर्डर ले रहे हैं एक्चुअल में, तो इनका ये मे बी इंडियन ही है, हिंदी में ही बातें चल रही हैं। और अभी वक्त हो गया है रात के 9:30, तो इंडिया में बज रहे होंगे 11। बस डिनर कर लेते हैं एंड डिनर के बाद निकलते हैं। वैसे या तो होटल भी जा सकते हैं या बरसाती करके एक जगह है, क्लब है, वहां पर भी जा सकते हैं। डिपेंड्स कि डिनर कितनी देर में खत्म होता है, एंड उसके बाद अगर हिम्मत बचती है तो फिर वहां चले जाएंगे। अब डिनर कर लेते हैं। तो डिनर एंड ऑल कर लिया है हम लोगों ने, एंड अभी बाहर आ गए हैं। यहाँ पे खड़े थे मिस्टर बेकर्स के सामने। अभी बस वी आर वेटिंग फॉर द कैब। तो कैब बुक की हुई है, ऊबर चलता है यहाँ पे, ओला नहीं चलता, ऊबर चलता है। तो ऊबर से बुक करी हुई है, जैसे ही आती है निकलते हैं। वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी चीजें भी है, लाइक जैसे अगर आपको कैब नहीं मिल रही है ना, तो आप किसी पॉइंट पे खड़े हो जाओ जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, जहाँ रेड लाइट होती है, तो वहां पे टैक्सी जाती रहती है खाली खाली, तो आप आराम से उसमें बैठ के जा सकते हो। एंड इवन अगर आप ऊबर के थ्रू बुक कर रहे हो, जैसे हमने अभी की हुई है, तो वो आपको ज्यादा चार्ज करेंगे। और अगर आपने नॉर्मल टैक्सी को हाथ दे के रोक के उसमें बैठ के जाओगे ना, वो कम चार्ज करेंगे, क्योंकि टैक्सी वालों को कोई ऐप के थ्रू नहीं वो करना होता, तो उनका चार्जेस कम होता है। ऊबर वालों को ऊबर को पे करना होता है, इसीलिए उनके चार्जेस हाई है यहाँ पे, तो उल्टा है यहाँ पे बेसिकली। तो इसीलिए अब, लेकिन हम लोग यहाँ रात में रोड पे खड़े हैं ना, डिनर एंड ऑल किया था अभी इधर स्थान में, तो अभी फिर किधर ही, दो लोगों का वही होता है ना, कहाँ पे ही ढूंढेंगे। सो इट्स बेटर कि ऊबर से चले जाओ, जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ ऐसे कर लेते हैं। तो क्योंकि ये परदेश है, यहाँ पे अपनी कोई इतनी जान पहचान है नहीं, तो अगर दिन होता है तो फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि चलो किसी पॉइंट से टैक्सी ले लेते हैं। बट अगर रात होती है तो अपन ट्राई करते हैं कि ऊबर या कुछ भी जो सेफेस्ट हो, जो टाइमली आ जाए एंड अच्छे से पहुँचा दे, बस उसी से जाते हैं। सो अभी बस आने वाली है 2-4 मिनट में, चलते हैं होटल एंड रेस्ट करते हैं, क्योंकि जाते जाते ही अभी 10:30-11 हो रहे हैं, जाते जाते ही आई थिंक 11:15-11:30 हो जाएंगे। एंड देन बस तो मस्त आराम से कल इंजॉय करते हैं।